अस्सलाम वालेकुम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी शनिवार स्पेशल वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो बहुत सिंपल और इज़ी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ही टेस्ट देगी आपको हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें हमने यहाँ पर तीन से चार हरी मिर्चें ली थी जिनको कट कर लिया था इसको फ्राई करेंगे हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर अपनी हमने हाफ के जी चिकन ली है इसको अच्छे से अब हम फ्राई करेंगे हरी मिर्चों के साथ नमक ऐड कर देंगे इधर हम वन एंड हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे टू टू थ्री टेबल स्पून बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हमें अच्छे से पकाना है हम इसको रख देंगे अब पकाने के लिए फाइव मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चिकन फ्राई हो गई है हमारी आप लोग इसके लुक लो देख लें इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही दही भी हमने यहाँ पर टू फिफ्टी ग्राम लिया है अब हम चिकन को कढ़ाई को हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च वन टीस्पून, काले मिर्च पाउडर टू टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है हम लेंगे यहाँ पर थ्री टीस्पून कुटा हुआ धनिया चिकन पाउडर वन टीस्पून यह हैं हमारे सारे स्पाइसेस जो जो हमने ऐड किए हैं अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स इसमें सिर्फ यही स्पाइसेस यूज़ करेंगे हम हमें इसको अब अच्छे से पकाना है आप लोग देख सकते हैं ये हमारी रेडी है चिकन हमारी अब हम इसको बस इसके अंदर क्रीम वगैरह डालकर इसको पकाएंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम टू लो कर दिया है अब हम अपनी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम भी हमने यहाँ पर टू फिफ्टी ग्राम ली है अच्छे से आप फ्रेश क्रीम को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से इसके अंदर हम थोड़ी बहुत अदरक डालेंगे अदरक डालकर पकाएंगे आप लोग इसके लोग देख लें हमारी चिकन व्हाइट कढ़ाई रेडी है अगर आप लोग स्पाइसेस ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्च हरा धनिया और अदरक ये हमने ऐड कर दी हरी मिर्च अदरक हरा धनिया फ्लेम हम ऑफ कर देंगे हमने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ गरम मसाला बस बहुत थोड़ा सा डालना है और हमने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ भुना हुआ धनिया वो हम डालेंगे इसके ऊपर हमारी वाइट चिकन कढ़ाई रेडी है इसके लुक आप लोग देख लें आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को, को मेरी रेसिपी अच्छी लगी मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू